Fatto rimaniere. Marce. चार मार्च 1967 रात्रि क्लास मीठे मीठे बच्चे इसके सहित क्योंकि शिव तो अलग है शिव बाबा इसको कहते हैं जो भी देहधारी सबकी दिल लेने वाला हूं वो मैं हूं इस सहित कहते हैं बच्चों की दिल लेने वाला हूं बहुत करके मनुष्य सुख शांति मांगते हैं चाहते हैं सुख शांति तुम बच्चों को सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा कल्प कल्प आते हैं किस लिए आते हैं तुमको सदा सुखी बनाने के लिए पवित्रता सुख संपत्ति सब कुछ देने आए और 21 जन्मों के लिए भरपूर देने के लिए आए कल्प कल्प संगम युग पर बाबा आते हैं पवित्रता सिखाए रहे हैं कि ऐसी पवित्रता धारण करनी है सो भी पवित्रता धारण करनी है बहुत सहज कोई कठिनाई नहीं है दुनिया में तो विकारों के लिए देखो कितनी मारामारी है कई ऐसी सुपनखाएं भी होती हैं जो बहुत तंग करती हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी बाबा के पास बहुत आती हैं। अब तुम बच्चों को तो बाप को याद करना है कोई को माथा नहीं टेकना है ये भी कहते हैं बाबा को बहुत याद करता हूं तो बच्चों को भी यही पुरुषार्थ सिखाते हैं कि ऐसे मोस्ट बिलवड बाप को अच्छी रीति से याद करो बाप आते भी इस तन में है ये त्रिमूर्ति बदल नहीं सकती है तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं इसलिए आए हैं हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए यहां तो ये शरीर तमो प्रधान पांच तत्वों का बना हुआ है इस पांच तत्वों के तमो प्रधान शरीर को यहां ही छोड़ जाना है बाप आकर धैर्य देते हैं कि मैं तुमको साथ ले जाने के लिए आया हुआ हूं देखो इनको खांसी होती है शिव बाबा को तो खांसी नहीं होती है इनके ऑर्गन्स को होती है फिर भी इनको खुशी तो रहती है ना भले ये कर्म भोग तो रहेंगे बाकी थोड़ा दिन है आधा कल्प के सभी दुखों से अभी हम छूट जाते हैं और सब दुखों से छूटने की एक ही दवा है एक दवा होती है ना कोई भी रोग हो वो दवा दे देते हैं पानी में बूंद डाल के ऐसी दवा होती है अमृत धारा
तुमको अभी बाप से ज्ञान की अमृत धारा देते हैं। इस अमृत धारा से सभी दुख दूर हो जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे, क्योंकि बाप ही आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप के याद करने में माया बहुत बिगड़ जाती है। भक्ति मार्ग में तो देखो कितनी चरियाई लगी हुई है, यहाँ तो भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाबा आए हैं वर्षा देने के लिए, कल्प कल्प शिव जयंती आती है और उन शिव का पाठ कल्प कल्प नामी ग्रामी है। त्योहार सभी अभी के हैं, बाप आकर के रावण को सदा के लिए खलास कर देते हैं। सत्ययुग त्रेता में वहां रावण तो नहीं होता है। एक एक बात जो कोई भी तुमको समझाई जाती है वो बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को गोद में लिया है। किसने लिया है? शिव बाबा ने लिया है। और किसके द्वारा लिया है? ब्रह्मा द्वारा लिया है। तो हम खुशी से गोद में जाते हैं। तुम बच्चे ही समझते हो कि बाबा हमको बहुत साहूकार बनाने वाला है। हमने ऐसे बाबा की गोद ली है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को ये देखते हुए भी बुद्धि बाप की तरफ तथा वर्षे की तरफ लगी हुई हो, तुम सब श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। जितनी जास्ती श्रीमत पर चलेंगे उतनी जास्ती नई दुनिया बना देंगे और उच्च पद पावेंगे। जांच करनी होती है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, अभी के ही पुरुषार्थ अनुसार फिर सतयुग में पद पावेंगे। तो बहुत मीठा बनना है, कोई को तंग नहीं करना है। रोज अपना पोता मेल देखो कि कोई को हमने दुख तो नहीं दिया, कोई बुरा काम तो नहीं किया। जितना जितना ये पुरुषार्थ का चार्ट रखेंगे उतना उन्नति को पाएंगे। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि तुम जानते हो तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई को धन है तो हेल्थ नहीं है तो भी कोई काम का नहीं, किसी को हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी काम का नहीं। मनुष्य तो देखो दान पुण्य करते हैं एक जन्म के लिए, तो एक जन्म के लिए करते हैं तो अगले जन्म में उनको मिलता है, और यहां तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। तो मैं तुमको इसकी युक्ति बताता हूं, इस अवान्तिम जन्म में सफल कर लो, इसी जन्म में तुम्हारे पैसे सफल होंगे। इस बाबा ने क्या किया? सब कुछ दे दिया, विश्व की बात सही मिलती है तो फॉलो करना चाहिए। बाबा कोई अपने लिए महल आदि थोड़ी बनाते हैं। जो कुछ भी है तुम बच्चों के लिए है। कौन सी महल? माउंट आबू में जो भी महल आदि बनवाए वो किसके लिए बनवाए? एरोप्लेन बनवाया ऊपर की साइड में, और बड़े बड़े ढेर सारे कमरे बाबा के टाइम पे बने,
हाल बनवाया, ये किसके लिए बनवाई? तुम बच्चों के लिए। अच्छा, तुम बच्चों के लिए बनवाए तो तुम बच्चों के काम आ रहे हैं? अंत में, अंत में। हाँ, बताया कि जब विनाश होगा तो तुम बच्चे यहाँ आकर के तपस्या भूमि में यहाँ से सारा विनाश देखेंगे। तो जो कुछ भी बच्चों के लिए करते हैं, कल्प कल्प ये राजधानी स्थापन होती है, इनको कोई साकार गुरु नहीं है। किनको? किनको साकार गुरु नहीं है? ब्रह्मा को। जिस समय ये वाणी चल रही है उस समय कोई साकार गुरु था? नहीं, कोई साकार गुरु नहीं है जो इनको सिखाता हो। ये तो बाप ही आकर के इनको सिखाते हैं। कौन बाप? शिव बाप सिखाते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति। तुमको सुनाता हूं तो हम भी सुन लेता हूं। ये किसने कहा तुमको सुनाता हूं? तुमको नहीं, किसने कहा तुमको सुनाता हूं? शिव बाप ने कहा मैं आता हूं तो तुमको सुनाता हूं। और ये किसने कहा हम भी सुन लेते हैं? ब्रह्मा बाबा ने कहा हम भी सुन लेते हैं। अच्छा, तो फिर सुनाया किसको? तुम बच्चों को सुनाता हूँ। ये बीच में सुन लेता है, माने इसको नहीं सुनाता हूँ, ये बीच में भले सुन लेता है लेकिन मेरा लक्ष्य सुनाने का तुमको है, माना ये काम पूरा नहीं करेगा, तुम बच्चे काम पूरा करेंगे। पहले तो तुम सुनते हो या हम सुनते हैं? पहले कौन सुनता है? पहले तो ब्रह्मा के अंदर प्रवेश है तो ब्रह्मा ही सुनेगा। तो निमित्त बने हैं इन द्वारा तुमको सुनाने के लिए। कौन निमित्त बने? ये ब्रह्मा, जो भी ब्रह्मा हो उनके कान निमित्त बने हैं, इनका मुख निमित्त बना है। तो मैं भी सुन लेता हूं और तुमको सुनाते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत नजदीक हूं। शिव उनमें प्रवेश करते हैं तो उनमें नजदीक है लेकिन सुनाता तुमको। शिव सुनाते उनको नहीं है, उनका लक्ष्य ब्रह्मा को सुनाने का नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीच में सुन लेता है। फिर तो उसको निमित्त क्यों बनाया? क्योंकि आदि में आदि में जो आत्मा जिसके द्वारा कार्य करना था, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, वो कारण या कारण ज्ञान का डोज पूरा न मिलने के कारण चली गई, तो फिर मजबूर होने में इनमें प्रवेश करना पड़ा। वो आत्माएं भी चली गई जो माताएं और निमित्त थी, तो ये त्रिमूर्ति निमित्त बनी हुई है। ओम शांति। अगली रात्रि क्लास है 5 मार्च 1967। इतने ढेर बच्चे सिवाय बेहरी के बाप के और कोई को नहीं हो सकते। बाबा की ये बहुत फकुर है क्या? क्राइस्ट को इतने बच्चे नहीं हो सकते? क्यों? अधिक है तो 300 करोड़। सौ डेढ़ सौ 200 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियंस। लेकिन बेहद के बाप को 500-700 करोड़ बच्चे। बेहद के बाप दो हैं, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु तो है ही है, बिंदु बिंदु आत्मा का बाप, उसकी तो चिंता नहीं बच्चों की।
कितने बच्चे हैं उसको? अनगिनत। वो गिनती में नहीं आ सकते, अनगिनत। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको जितने बच्चे हैं उतने और कोई धर्म पिता को हो नहीं सकते। ये संगम युग का पार्टी सुहावना है, और युगों में और धर्म पिताएं आते हैं, उनके आने का युग सुहावना नहीं है। लेकिन जिस युग में बाप आते हैं वो युग बहुत सुहावना है। इस संगमपुर ही तुम सब पुरुषोत्तम बनते हो। कौन सब कौन पुरुषोत्तम बनते हो? तुम बच्चे जो सन्मुख सुनते हो वो सब पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं उन आत्माओं के बीच में उत्तम बनते हो। सभी मनुष्य मात्र, सभी जीव जंतु जो भी रचना है वो सत्युग में काब दुख नहीं देगी। तुमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि वहां जानवर घोड़े गधे आदि नहीं होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? जानवर नहीं होंगे, जानवर तो होंगे, चौपाए होंगे, घोड़े होंगे कि नहीं? घोड़े होंगे, गधे होंगे, घोड़े होंगे तो गधे भी होंगे। जबकि मनुष्य ही ऐसे नहीं होंगे घोड़े गधे में सर, तो जानवर कैसे होंगे? जानवर भी अच्छे मीठे स्वभाव वाले और मनुष्य भी अच्छे मीठे स्वभाव वाले होंगे। बाप दुख की कोई बात नहीं, बाप आते ही है तुम्हारा दुख हरने और सुख की दुनिया देने के लिए। आते हैं सुख का वर्षा देने के लिए। रावण दुख का वर्षा देता है और बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। वहां यह बातें नहीं पढ़ते हैं कि हमने प्रारब्ध किससे पाई, कहां जो सत्युगी नई दुनिया होगी वहां हमको ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है कि हमने ये प्राप्ति कहां से की सुख की। इस समय सब बातें तुम पढ़ते हो, तो श्रेष्ठ युग को कौन सा हुआ? अब संगम युग में हमें जानकारी है, वहां तो हमको इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। यहां है बेहद का पुरुषार्थ, और प्रारब्ध भी यहां बेहद की है। सत्युग में इतनी बेहद की प्रारब्ध नहीं होगी, और यहां जो संगम युग की दुनिया है, संगम युग की दुनिया में जो बाप से हमें सुख मिलना है वो सुख वहां नहीं होगा। क्या सुख वहां के सुख में और यहाँ के सुख में क्या अंतर होगा? सत्युग का सुख और संगम युग में जो सुख बाप से मिलना है अंत समय में, ये जो अतीन्द्रिय सुख यहाँ हम पावेंगे वो अतीन्द्रिय सुख देवताओं को भी नहीं मिलेगा। वो भी इंद्रियों का सुख भोगते हैं और हम यहाँ अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। उनका सुख धीमे धीमे कम होता जाएगा, इसका उनको पता भी नहीं पड़ेगा, और हमारा सुख जब एक बार अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो गया तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। बलवान कोई दुख की बात नहीं होती। तो वो दुनिया वाले तो हद का पुरुषार्थ करते हैं सुख लेने के लिए, और तुम्हारा है बेहद का पुरुषार्थ और बेहद की प्रारब्ध। उनकी तो हद की ही प्रारब्ध बनती है, इनकी दुनिया वालों की, और देवताओं की, देवताओं की जो प्रारब्ध बनेगी वो हद की बनेगी बेहद की बनेगी? बेहद बनेगी, उनकी भी हद की होगी। इंद्रियों में सुख बंधा हुआ होगा,
और तुम्हारा सुख अतीन्द्रिय सुख होगा, बेहद का। बेहद का बाप आते हैं तो सुख भी कैसा देंगे, बेहद का सुख देंगे। सबकी प्रारब्ध सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा ही फिर पाठ बजाती है, तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कोई तो बच्चे पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं और हट जाते हैं, कोई फिर से पुरुषार्थ करते हैं। ये अवस्थाओं में फर्क होता रहता है। इस समय तुम्हारे पुरुषार्थ से भविष्य की प्रारब्ध बनती है, बहुत अच्छी प्रारब्ध मिलेगी। बाप को फॉलो करेंगे तो क्या, भाइयों को बहनों को फॉलो नहीं करना है? दीदी दादी भी तो ऐसे ही करती है, दादा ने भी तो ऐसे किया, मामा भी तो ऐसे करती थी। नहीं, किसको फॉलो करना है? बाप को फॉलो करना है। अच्छा मददगार बनेंगे अगर बाप को फॉलो करेंगे, बहुत सर्विस करेंगे। मुख्य है यार, बच्चों की याद में ही कमी है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी बने तो अभी आत्मा अभिमानी होकर रहने में मेहनत लगती है। अभी देही अभिमानी बनना है, पावन बनना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु याद में माया विघ्न बहुत डालती है। कठिन तो नहीं है लेकिन माया विघ्न डाल देती है, इसलिए फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो कोई भी बाप को याद करना छोड़ेगा नहीं, इतना मीठा बाप उसको याद करना कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन माया छोड़ा देती है। अगर माया बीच में ना आवे तो कोई भी बड़े जोर शोर से पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं बहुत भारी कमाई होने वाली है, और वो भी जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म की नहीं, कल्प कल्पांतर के लिए। वर्षा तो बहुत भारी है, लेकिन सब तो विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। चित्रों की एग्जीबिशन तो बहुत होती है, परंतु वो है भरतनाट्य पेनी, क्योंकि जिन चित्रों की एग्जीबिशन दुनिया में होती है उनके बायोग्राफी को कोई जानते नहीं, और तुम तो बायोग्राफी को जानते हो। पुराने चित्रों का विलायत में तो बहुत रिगार्ड होता है, वास्तव में रिगार्ड होना चाहिए एक चित्र का। किस चित्र का? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो दो चित्र हो गए, त्रिमूर्ति का। एक चित्र का रिगार्ड होना चाहिए, त्रिमूर्ति में तो तीन मूर्तियां हो गई। वास्तव में रिगार्ड होना चाहिए एक का, जिस बाप को सभी याद करते हैं। रिगार्ड तीन तीन का या एक का होना चाहिए, एक का जिसको सभी याद करते हैं उसका रिगार्ड होना चाहिए। सबसे जास्ती दाम वाली चीज दुनिया में कौन सी है? हीरा। हीरा तो कैनूर हीरा सबसे जास्ती दाम वाला, उसकी आज तक कोई कीमत आंक नहीं सका, लेकिन वो भी किसकी यादगार है? वो है नूर हीरा, वो भी तो उस बाप की यादगार है ना। तो यादगार ज्यादा कीमती हुई या जिसकी यादगार बनाई गई है वो ज्यादा कीमती हुआ? वो ज्यादा कीमती हुआ। तो वास्तव में रिगार्ड होना चाहिए एक का, जैसे बाप खुद हीरे जैसा है
क्यों हीरे जैसा है? क्योंकि अपने संग के रंग से बच्चों को भी हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चों को भी हीरो पार्टधारी बनाते हैं, तो उनका फरमान मानना चाहिए। वो बाप कहते हैं फलानी जगह जाओ, तो कहते हैं वहां गर्मी बहुत है। यहां गर्मी है, वहां सर्दी है, अरे ये तो हो गई, तुमको मत पर चलना है या सर्दी गर्मी को देखना है? बहाना देना है क्या? बाबा तो समझ जाते हैं कि बाप ने फरमान किया और बच्चे ने बहाना बना दिया, तो बाप समझ जाते हैं ये बच्चा तकदीरवान नहीं है। बाप की तो श्रेष्ठ मत मिलती है ना, कहीं भी भेज दे, सर्विस के लिए जाते हैं तो समझ जाते हैं कि श्रीमत पर ये चलते नहीं है, इसलिए उन्होंने बहाना मार दिया। तो इनको कहा जाता है ना फरमान बरदारी, क्या बाप के संबंध में, बाप के संबंध है अनेक प्रकार के, बाप का संबंध है, टीचर का संबंध है, गुरु का संबंध है, साजन सजनी का संबंध है। तो जैसे जैसे ये संबंध है वैसे वैसे उन संबंधों के साथ बातें भी जुड़ी हुई है। बाप के संबंध में फरमान बरदार, टीचर के संबंध में ईमानदार, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन सजनी के संबंध में वफादारी। तो ऐसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार होते हैं तो वो बहुत ऊंचे पद पाते हैं। अगर नहीं है, इन चारों में से, चार गुणों में से कोई की भी कमी हो जाती है तो ऊंच पद पा न सके। ना फरमान बरदारी बनने से फिर ऐसों का हाल क्या होगा? बाप कहते हैं तो भी नहीं मानते, तो दूसरे दूसरे जो कहते होंगे दीदी दादी दादा या इंचार्ज बहन, तो उनकी तो मानते ही नहीं होंगे। फरमान बरदार बनने से ऊंच पद पा सकते हैं, दैव गुण धारण करने, नहीं तो बहुत सजा हो जाएगी। ओम शांति। 6 मार्च 1967 की रात्रि क्लास महिमा करते हैं शिव बाबा की, क्योंकि वो ही ऊंचते ऊंच है और सारी दुनिया तो गुलामी करती है। किसकी है? कैसे नहीं, वो सारी दुनिया थोड़े, वो तो बीके वालों की बात हो गई, यहाँ तो सारी दुनिया की बात है। हाँ, सारी दुनिया ग्लानी करती है कि वो सर्वव्यापी है वास्तव में, वो इस सृष्टि पर आता है तो एक व्यापी बन के आता है, लेकिन ग्लानी कर देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। हम भी तो ग्लानी करते थे, सारी दुनिया के बीच में हमारा भी तो नाम था, सर्वव्यापी समझ करके कितनी ग्लानी करते थे, अभी पहचान कर उनकी महिमा करते हैं। अभी पहचान लिया ना, क्या पहचान लिया है? एक व्यापी है, एक व्यापी पहचान लिया तो हम ग्लानी नहीं करते हैं। और वो ब्राह्मण, उन्होंने एक व्यापी पहचान लिया नहीं। तो क्या करते हैं? ग्लानी करते हैं। वो भी ग्लानी करते हैं। अगर एक व्यापी की पहचान हो गई कि मुकर्ररत कौन सा है जिसमें बाप एक व्यापी होकर के आता है, तो ग्लानी खलास। और अगर वो पहचान नहीं हुई है तो क्या करेंगे? ग्लानी ही करते रहेंगे। अभी तुम बाप की महिमा करते हो। बाप जब भारत में आते हैं तो भारत को वर्षा देते हैं, विदेश को वर्षा नहीं देते। क्यों?
सब विनाशी विदेशी धर्म खंड और विदेशी धर्म खंडों में रहने वाले सब विनाशी वो एक व्यापी को समझ लेते हैं पहले या नहीं समझ पाते हैं? समझ देते हैं लेकिन तर्क जाते हैं पहले बाप को पहचानते हैं प्रत्यक्ष भी करते हैं फिर पूरी पहचान नहीं हो पाती और पूरी पहचान न होने के कारण माया उनको लड़खड़ा देती है। शिव जयंती का अर्थ है बाप की जयंती अर्थात तुम बच्चों की वर्ष की जयंती बाप की जयंती हुई माना तुम बच्चों के वर्ष की जयंती हुई बाप की जयंती सो जरूर बच्चों की भी जयंती जयंती मनाने वाले भारतवासी बच्चे ही ठहरे दूसरे देशों में बाप की जयंती नहीं मनाई जाती भारतवासियों को तो क्या शिव जयंती तो सारी दुनिया को मनानी चाहिए क्यों जब उन्हें वर्षा ही नहीं मिलता है विदेशियों को विदेशी धर्म खंड वालों को तो जयंती क्यों मनाए जन्नत में सभी कहां जाते हैं जन्नत में तो सिर्फ 10 करोड़ आत्माएं जाएंगी 500 करोड़ कहां जाएंगे दुख से जुड़ा हाँ जो मुक्ति का वर्षा है वो तो सारी दुनिया को मिलता है चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो ऐसा तो कोई नहीं जो दुख दर्दों से मुक्ति को न प्राप्त होते हैं तो सबको शिव जयंती मनानी चाहिए शिवलिंग को तो सभी मानते हैं ना तुम अभी समझते हो सबको बाप ने आकर के वर्षा दिया सतयुग में है सुखधाम कलयुग में है दुखधाम सतयुग में सुखधाम में जाते हैं तो जो सुखधाम में जाते हैं उनके अलावा जो बचे वो कितने बचते हैं 4.5 लाख नहीं सतयुग में सुखधाम में होते हैं सतयुग त्रेता आई है सुखधाम तो बाकी जो बचे वो सुख का वर्षा पाते हैं या शांति का वर्षा पाते हैं वो सुख का वर्षा नहीं पाते वो एक्चुअल सुख नहीं है सुख के साथ थोड़ा थोड़ा दुख जरूर मिक्स होता है तो सतयुग त्रेता में जो आते हैं वो सुखधाम का वर्षा लेते हैं और बाकी सब दुख धाम का वर्षा और शांति का वर्षा लेते हैं शांति का वर्षा बाप आकर के देते हैं दुख का वर्षा रावण आकर अभी तुमको समझाया जाता है कि अपन को शरीर से अलग समझो और मुझे याद करो शिव नाम को भी जानते हैं क्या जानते हैं शिव नाम को क्या जानते हैं शिव शब्द है उसका अर्थ ही है कल्याणकारी नाम को जानते हैं तो जरूर काम भी ऐसा ही किया होगा क्या काम किया होगा जो भी वाचा से बोला होगा जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म किया होगा जो भी किया होगा वो सब कल्याणकारी किया होगा जो भी वाइब्रेशन छोड़े होंगे वो सब कल्याणकारी छोड़े होंगे तुम जानते हो वो न तो लिंग है क्या लिंग बनाते हैं लेकिन क्या वो इतना बड़ा लिंग है तुम जानते हो वो न तो लिंग है और ना ही वो बिंदी है अरे तो क्या है लिंग माना साकार और बिंदी माना निराकार वो साकार भी नहीं है और सिर्फ बिंदु भी नहीं है तो क्या है साकार में निराकार है माने बिंदी की स्टेज है
पूजा के लिए इतना बड़ा बनाई दिया है। पूजा भक्ति में होती है या ज्ञान मार्ग में होती है? पूजा भक्ति मार्ग में होती है। पूजा का कारण क्या है? जो प्योरिटी धारण की है, जिन्होंने जिन्होंने आत्माओं ने उनकी उस प्योरिटी की यादगार में उनकी पूजा की जाती है। तो पूजा के लिए सिर्फ बड़ा बनाते हैं, मानो उतना बड़ा शिव भी प्योरिटी धारण करता है क्या? है शिव की प्योरिटी की बात नहीं है, शिव तो बिंदु है, बिंदु को प्योर होने इम्प्योर होने की बात ही नहीं। जब बिंदु साकार शरीर धारण करे तो प्योर इम्प्योर होने की बात, शरीर के साथ इम्प्योर हुआ जाता है, शरीर के साथ पवित्र बना जाता है, शरीर के साथ ही गायन होता है, प्योर एवर प्योर और इम्प्योर। तो शरीर के साथ जो प्योरिटी धारण की है उसकी यादगार में इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। बड़ी पूजा माना बड़ी पवित्रता धारण की, जैसी पवित्रता औरों ने और देवताओं ने धारण नहीं की। शिव जयंती पर प्रदर्शनी में बताना चाहिए कि शिव बाबा है ही सबका बाप और हम तो शालिग्राम हैं। क्या हम छोटे हैं? हम आत्मा छोटे और शिव बाप बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, तो जरूर बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। बड़ा काम करके, जो बड़ा काम और कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाया, बाप को याद करो तो पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बन जाए। शिव बाबा ने भारत को स्वराज्य दिया था, है? भारत को स्वराज्य दिया था और विदेशियों को, है? विदेशियों को स्वराज्य नहीं दिया, है? वो तो शांति धाम में जाके बैठते हैं, उनको स्वराज्य कहाँ मिलता है? आत्मिक स्थिति वाला राज्य कहाँ मिलता है? जब आते भी हैं तो द्वापर युग से आते हैं, तो द्वापर युग से जब आते हैं तो स्व माने आत्मा के राज्य में आते हैं क्या? आत्म की स्थिति खलास हो जाती है तब तक। फिर किस में आते हैं? देह बाद में आते हैं। देह है पर जो प्रकृति की चीज है वो पराई है, हमारी अपनी चीज तो है नहीं, तो पराए राज्य में आते हैं वो, और हम आते हैं हम स्वराज्य में आते हैं। तो शिव बाबा कल्प कल्प आकर के राज्यों को ऐसा सिखाते हैं। अब जन्म लेते लेते पतित बन गए, अभी समय तो बहुत कम है। कहते हैं कि देह के सब धर्मों को भूल जाओ और अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। सब धर्मों को भूल जाओ, देह के सब धर्म कौन से है? काम क्रोध है, देह के धर्म है, है? हाँ, जो भी देहधारी दुनिया में मनुष्य है वो कोई ना कोई धर्म के हैं, कोई ना कोई धर्म पिताओं को फॉलो करते रहे। बाप कहते हैं उनकी धारणाओं को अब भूल जाओ, अपन को पहले आत्मा समझो। ये आत्मा का धर्म कोई नहीं सिखाता, सब जो भी सिखाते हैं देह के धर्म सिखाते हैं। बाप आकर के आत्म की स्थिति में स्थिर कराते हैं, सब की वानप्रस्थ अवस्था अभी है, वानप्रस्थ अवस्था है। कितने साल से बोल रहे हैं सब की वानप्रस्थ अवस्था है? 70 साल हो गए, कोई वानप्रस्थी बना है? वाणी से परे कोई गया? फिर अवस्था है कहाँ? कहते ब्रह्मा की वानप्रस्थी अवस्था हुई तो शिव ने उसमें प्रवेश किया, प्रजापिता की वानप्रस्थी अवस्था हुई तो शिव ने उसमें प्रवेश किया। अभी बच्चों से कहते हैं सब की वानप्रस्थ अवस्था है,
तो सबकी बाल प्रस्थ अवस्था है तो फिर स्टेज कैसी होनी चाहिए? वाणी से परे की निराकारी स्टेज भी तो होनी चाहिए, फिर है वाणी से परे की निराकारी स्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बाप के धाम के वासी अभी तक भी नहीं बने। क्या घड़ी घड़ी कहाँ चले जाते हैं? देवान के राज्य में चले जाते हैं, मने रावण राज्य में चले जाते हैं। तो जो रावण का राज्य है वो देह अभिमानियों का राज्य है। देवानियों की दुनिया में जब हम रहते हैं तो संघ का रंग देवान का लगता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सब सफा चट्ट हो जाती है। अभी ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। जो भक्ति रावण से आती है, जिस भक्ति को करते करते देवान बढ़ता गया, अभी ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। होता है कितने साल हो गए करते करते, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। अभी भी रावण और बढ़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शिव बाबा ईश्वर की स्थापन करने वाले हैं, माना? और जो भी आत्माएं हैं, बड़े बड़े देवताएं हैं, अष्टदेव हैं, नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, राम सीता बनने वाली आत्माएं हैं, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करती हैं? शिव बाबा ही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। क्यों? और सब माया के परछाई में आ जाते हैं, सब संघ के रंग में आ जाते हैं। एक है जिसको संघ का रंग नहीं लगता, उसका नाम क्या दिया? शिव बाबा। वो आकर के संगम पर ही राजयोग सिखाते हैं, और कोई युग नहीं है जहां आकर के राजयोग सिखाते हो। तो बच्चों की ये फुरना लगा हुआ है। क्या फुरना? क्या लगा हुआ है? लगन क्या लगी हुई है कि अभी संगम युग चल रहा है, फिर और कोई जन्म ऐसा होने वाला नहीं है जहां संगम युग हो। ये फुरना लगा रहे कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अभी जितना हम कमाई कर लेंगे उतनी कमाई और किसी युग में नहीं कर सकेंगे। तुम ब्राह्मण कहते हो हम अपनी दैवी राजधानी अभी स्थापन कर रहे हैं, और कोई युग नहीं होगा जहां दैवी राजधानी स्थापन कर सके। और युग जो होंगे उनमें हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा होगा ही नहीं, सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं। सिर्फ संगम युग है और सिर्फ एक ही जन्म है जिसमें आकर के हम क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। यह है प्रातः क्लास 6 मार्च 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझाए रहे हैं, फिर से समझाए रहे हैं। पहले कब समझाया था? आदि में भी पीयू की वाणी चली थी, और अभी फिर से समझाए रहे हैं। किनके प्रति समझाए रहे हैं? जो कड़ुए हैं, माना देह अभिमान आ जाता है जिनको घड़ी घड़ी, उनको नहीं समझा रहे हैं। जो मीठे मीठे रूहानियत वाले बच्चे हैं उनको समझा रहे हैं, रोज रोज समझाने देते हैं। क्यों? मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो उन्हें याद रहना चाहिए, एक बार समझाया हुआ याद होना चाहिए ना, फिर भूल क्यों जाते हैं? माया बुला देते। बच्चे तो समझते हैं कि बरोबर हम गीता का ज्ञान ही पढ़ रहे हैं, कल पहले माफी, परंतु कृष्ण हमको पढ़ाने वाला नहीं है। फिर कौन है? शिव बाबा पढ़ाने वाला है। 67 में
है, शिव बाबा पढ़ाने वाला है, उसको शिव बाबा कहेंगे है? बाबा तो कहेंगे, क्योंकि बूढ़े को बाबा कहा जाता है, ब्रह्मा को बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहेंगे, लेकिन शिव बाबा नहीं कहेंगे। कृष्ण तो नहीं पढ़ाता है, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। कौन कौन पढ़ाते हैं? जो बापों का बाप है वो पढ़ाते हैं, और साथ साथ में परमात्मा जो सुप्रीम पार्टधारी है वो पढ़ाते हैं। परमात्मा के लिए ये तो सबको याद है कि वो निराकार लिंग है। क्या लिंग किसकी यादगार है? परमपिता की यादगार है या परमात्मा की यादगार? जिसमें प्रवेश करता है ज्योति बिंदु, उसकी यादगार में शिवलिंग बना दिए। लिंग है साकार की यादगार, और उसमें जो बिंदु रखते हैं वो है निराकार की यादगार। अभी हमको बाप फिर से राजयोग सिखाए रहे हैं। उन्होंने तो झूठी पुस्तक बना करके नाम रख दिया श्रीमद् भागवत गीता। किन्होंने? शास्त्रकारों ने। कौन से शास्त्रकारों ने? वेदव्यास ने। मुरली में तो बोला है शुरुआत में तो फिर भी शास्त्र सच्चे थे, भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, बाद में भक्ति भी सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो बन जाती। तो बाद में गीता झूठी हुई, पहले गीता सच्ची थी। तो उन्होंने झूठी पुस्तक बना करके नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता। माने तुमने नाम नहीं रख दिया है, झूठी पुस्तक तुमने नहीं बनाई है। किसने बनाई? उन्होंने माने किन्होंने? उन्होंने पिताश्री शिव बाबा याद है बना दिया, उन्होंने झूठी पुस्तक बनाई थी। अभी शूटिंग करते हैं, फिर वहां बड़ा ड्रामा करते हैं। अभी तुम बच्चे सिद्ध करके बताते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला, कैसे सिद्ध करते हो? सच्ची गीता पाठशाला तुम कैसे सिद्ध करते हो? दुनिया वाले तो लड़ेंगे हमारी गीता पाठशाला की झूठी है। नहीं कहेंगे, यहाँ गीता पढ़ाई जाती है, चलो संस्कृत की गीता पढ़ाई जाती है, उसे डागली नहीं कहेंगे, लेकिन वो झूठी कैसे? क्योंकि गीता का भगवान का पता ही नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है, निराकार पढ़ाने वाला है या साकार पढ़ाने वाला है। और यहाँ तो हम जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, बाकी सब झूठी गीताएं हैं। उसमें झूठपना भी समझाना पड़े क्या? गीता में जो संस्कृत गीता है उसमें क्या क्या झूठ है वो भी बताना पड़े। बहुत से श्लोक ऐसे आए हैं जिसे साबित होता है कि ये निराकार की रचना है, तो वो श्लोक सामने रखना चाहिए लोगों को, देखो इसमें ये झूठ है, उस गीता में ही बताया हुआ है कि मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूं, जहां आत्मा जाकर के वापस नहीं आती, गीता में ही लिखा हुआ है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, एक विभू शब्द लगा दिया है उसका अर्थ उन्होंने बना दिया सर्वव्यापी। तो देखो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते भारत दुर्गति को पहुंच गया है। तुम अभी डायरेक्ट ही गीता के भगवान से सुन रहे हो, बल गीता आगे भी सुनाते थे, परंतु आगे के सुनने में और अभी के सुनने में क्या अंतर है? अच्छा हमारी गीता कौन सी? मुरली। हमारी गीता है मुरली। पहले हम सुनते थे और अब भी सुनते हैं, क्या अंतर है? संस्कृति वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, यहाँ शूटिंग पीरियड में वहां सन्मुख सुनने वालों ने नहीं सुना क्या?
हाँ वहाँ जिसके द्वारा सुनाते थे वो कृष्ण की सोल, कृष्ण का व्यक्तित्व, लेकिन बाप कृष्ण के द्वारा गीता नहीं सुनाते। जो गीता ज्ञान अमृत हमारे सामने अमृत बन करके आता है वो कृष्ण के द्वारा उनके अंतिम चोले के द्वारा नहीं सुनाते। तुम अभी डायरेक्ट गीता के भगवान से सुन रहे हो। बल गीता आगे सुनाते थे परंतु समझते कृष्ण भगवान हुआ थे। संगम की ब्राह्मणों की भी गीता किसके द्वारा हुआ थे? कौन बोलता था है? उवाच कौन करता था? जिसको कृष्ण भगवान बनाए दिया है वो ही तो उवाच करता था। वो तो रंग बात है। वो कृष्ण बच्चा गीता उवाच कर नहीं सकता। कृष्ण का नाम तो गीता में डालने से फिर और ही उस गीता को पढ़ते पढ़ते भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। अर्थात झूठी गीता सुन सुन करके दुर्गति पाई। सच्ची गीता से अभी तुम सदगति को पाए रहे हो। अभी तुम सच्ची गीता भी छपवाते हो क्या? तुम सच्ची गीता भी छपवाते हो और वो झूठी गीता भी छपी हुई है। वो सिंधी में भी लिखी हुई है क्या? जो सच्ची गीता है पहले 500 कापियां निकाली गई थी, उसमें सच्चाई नहीं है, और तुम्हारी सच्ची गीता में सच्चाई है। परंतु जो सिंधी में भी छपाई गई थी वो भी उतनी क्लियर नहीं है जितनी हमारी गीता क्लियर। माने सिंधी में जो भी छपाया गया था, ये जो मुरलियां छपती है वो तो बहुत डिटेल में और बार बार उसमें रिवीजन आता है। एक एक बात बार बार रिपीट की गई। लेकिन वो जो गीता छपाई गई थी सिंधी में उसका हिंदी अनुवाद भी छपा है तो उसमें बार बार रिवीजन एक बात का नहीं है। तो बोला सिंधी में भी लिखी हुई परंतु उसमें इतनी क्लियर नहीं है जितनी क्लियर अभी तुम सुनते हो। माना वो जो झूठी गीता है उसमें हर बात का हिज्जे हिज्जे करके समझानी नहीं होती है, और तुम जो गीता सुनते हो उसमें एक एक बात की गहराई तुमको समझ में आ जाती है। तुम्हारी गीता क्लियर है, इतनी क्लियर है जो कि कोई भी मनुष्य समझे। और वो गीता क्लियर न होने के कारण सब कोई समझ नहीं सकते। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है। इस गीता में भी लगा हुआ है कि रुद्र ज्ञानी की रचना ये यज्ञ भी है तो गीता पाठशाला भी है। क्या रचा? रुद्र ज्ञानी। शिव ज्ञानी की क्यों नहीं? उसका नाम शिव ज्ञानी की क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी बिंदी गीता नहीं सुना सकती। वो बिंदी जिसके द्वारा गीता सुनाती है उसने आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था और अंत में भी रौद्र रूप धारण करता है। कितने साल हो गए सुनाते सुनाते? 70 साल हो गए। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, तो नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं, और वो सुनाते ही रहते हैं सुनाते ही रहते, तो आखिर फिर क्या होता है? फिर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो जब विकराल रूप धारण करते हैं तो जो बाप के बच्चे हैं, जो बाप से डरने वाले हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, और जो देह अभिमानी है वो नहीं होते। इसका रुद्र ज्ञानी के नाम दिया हुआ है तो ये यज्ञ भी है और गीता पाठशाला भी है। ऐसे तो यज्ञ में पाठशाला नहीं होती है। जहां जहां यज्ञ रचते हैं वहां कोई पाठशाला थोड़ी खोलते हैं, और यहाँ ये ज्ञान यज्ञ भी है और इसमें पाठशाला भी है। कब कब यज्ञ रचते हैं तो उसमें बहुत शास्त्र रखते हैं।
बड़ा रुद्र यज्ञ रचते हैं उसको हवन भी कहते हैं। क्या करते हैं? सामग्री ढेर सारी स्वाहा करते हैं। यहाँ भी क्या करना है? यहाँ भी देह और देह सहित जो भी इस दुनिया की सामग्री है वो सब सब स्वाहा करनी। स्वाहा करना माने हवन करना। और फिर सभी शास्त्र बैठे झूठे सुनाते हैं। वो रुद्र के रचते हैं उसमें झूठे शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन सब में मूल है गीता। जो भी शास्त्र सुनाते हैं उनमें मुख्य गीता को रखते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद् गीता गाई हुई है, तुम अर्थ भी समझते हो कि सब शास्त्रों में शिरोमणि कैसे है। गीता वास्तव में भगवान की गाई हुई है। भगवान एक ही बार गीता गाते हैं। बाकी जो भी शास्त्र हैं वो कोई भगवान के नहीं है। यादगार में भी जो शास्त्र बनाए गए उन शास्त्रों में जो शिरोमणि गाई गई है उसमें ही लिखा हुआ है शिव भगवान उवाच। और किसी दूसरे ग्रंथ में भगवान उवाच नहीं लिखा हुआ है। बाकी शास्त्र कोई भगवान के है नहीं। उस गीता में नाम दिया डाल दिया है कृष्ण का। जो गीता निराकार ने गाई निराकारी स्टेज में रह के की गाई उसका नाम डाल दिया कृष्ण का नाम डाल दिया। तो उस गीता को ही फिर भक्ति मार्ग में पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया। गीता का भगवान ही झूठा हो गया तो पढ़ने वाले भी झूठे हो गए। फिर बाप जब सच्ची गीता आकर के सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। पहले पहले सदगति को कब पाते हैं? सदगति की शुरुआत भी कब होती है? पहले शरीर के आधार पर सदगति होती है क्या? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति को पाती है, सच्ची गति को पाती है। माने जो भी संकल्प आते हैं वो सत्य संकल्प आते हैं। जिन सत संकल्पों से हम सत्युग की नई सृष्टि रचने के निमित्त बनते हैं। झूठी गीता पढ़ने से तो दुर्गति को पा लिया। बुद्धि भी दुर्गति को पाई और शरीर भी दुर्गति को पाई है। तो अभी बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं समझते हैं क्योंकि सब मनुष्य बंदर बुद्धि है। मनुष्यों को ही बंदर कहा गया है। ऐसे नहीं कि रावण ने कोई बंदरों की सेना ली और रावण को मनुष्य मिल गए। नहीं, शास्त्रों में जो बंदर सेना दिखाई है वो बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है। रामायण में दिखाया है बंदरों की सेना ली, वास्तव में है मनुष्यों की बात। मनुष्यों में ही बंदरों जैसे अवगुण होते हैं। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। उन भक्ति मार्ग के शास्त्रों को कितने प्रेम से बैठ करके पढ़ते हैं। अभी तुम समझते हो कि वह सब दुर्गति के लिए है इसलिए उनमें ध्यान नहीं जाता है। इनमें उन शास्त्रों में तुम्हारी बुद्धि नहीं जाती है। और यहां भी कोई ऐसे ब्राह्मण बैठे हो जिनकी बुद्धि पुराना शास्त्र पढ़ने में ही जाती हो, पुरानी मुरली पढ़ने में जाती हो, तो उनको क्या कहेंगे? उनको वास्तव में ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तुम्हारा तो ध्यान उनमें नहीं जाता है। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भर पढ़ते आते हैं परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति कर दिया है। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं क्या कि झूठी गीता मनुष्य सुनाते हैं और सच्ची गीता सच्चा बाप आकर के सुनाते हैं।
जो सर्विस पर होंगे उनको अच्छी रीति ध्यान जाएगा कि किस प्रकार मनुष्यों को अच्छी रीति समझावे। तीर ऐसा डालो जो मनुष्यों को पूछना पड़े कि अरे ये तुम क्या कहते हो, सीधा बताना है कि कृष्ण भगवान आज की गीता पढ़ते पढ़ते भारतवासियों ने दुर्गति को पाया, या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के द्वारा जो गीता उवाच की गई उसको पढ़ते पढ़ते जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणों की दुनिया के मनुष्य हैं वो सब दुर्गति को पाएंगे। शिव भगवान बात, शिव भगवान बात की सत्य गीता पढ़ते पढ़ते अब हम सदगति को पाते हैं। ऐसे सीधे सीधे बताओ, सीधे सीधे अक्षरों ओम।